उपस्थित रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी, रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान इंद्रजीत जी, आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों अध्यक्ष, एनसीसी के मुखिया और देश भर से आए हुए एनसीसी के सभी कैडेट्स, पड़ोसी देशों से आए हुए हमारे सभी कैडेट मेहमान, विशाल संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे भी आज बचपन की यादें ताजा हो गई। क्योंकि मैं भी एनसीसी में कैडेट रहा, हमारे रक्षा मंत्री भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं, हमारे रक्षा राज्य मंत्री भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं, हमारे देश की प्रथम विदेश मंत्री महिला सुषमा जी भी कैडेट थी। सीने जगत में जया बच्चन जी हैं, वो भी कभी एनसीसी की कैडेट हुआ करती थी। इन दिनों खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले अंजलि भागवत हो, लज्जा गोस्वामी हो, ये लोग भी कभी न कभी एनसीसी के कैडेट रहे हैं, जिन्होंने बाद में पुलिस बेड़े में सर्विस की। किरण बेदी जैसे बहुत लोग हैं जो पहले एनसीसी के कैडेट रहे हैं। तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जहां से मुझे शिस्त के, देशभक्ति के और समूह जीवन के संस्कार मिले, उस माहौल में दोबारा एक बार आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं एनसीसी कैडेट रहा, लेकिन दिल्ली आने के लिए हमारा सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। और इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपने वहां अपने आप को किस प्रकार से प्रस्थापित किया होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी स्कूल से एक सुमन चौधरी नाम का लड़का जो कैडेट था, उसको दिल्ली आने का मौका मिला था 26 जनवरी के लिए, और वो हमारी स्कूल का हीरो था। जब वो दिल्ली से वापस आया, सारी स्कूल उसको मिलने जाना, पूछने जाना, अनुभव सुनना, और हम उसे देख करके बड़ा गौरव अनुभव करते थे, क्योंकि वो हमारी स्कूल से 26 जनवरी को यहाँ आया था। आप लोग भी जिन लोगों के बीच से यहाँ आए हैं, वहां भी आपके लिए एक गौरव का माहौल होगा। जब आप जाएंगे तब बहुत सी बातें आपसे वो पूछना चाहेंगे। आप लोग अब घर जाने के लिए बड़े उत्सुक भी होंगे, इच्छुक भी होंगे। आपको लगता होगा अब जितना जल्दी छुट्टी हो जाए अच्छा है। जो लोग राजपथ पर जाते थे, रात में 1 बजे उठना, 3 बजे जाकर के प्रैक्टिस करना, जिनको राजपथ के लिए मौका नहीं मिला था उनको 5 बजे उठना, और दिल्ली की इस ठंड में क्या क्या अनुभव नहीं किया होगा आपने। और कभी सोचते भी होंगे अच्छा हो कल सुबह पेट में दर्द हो जाए,
अच्छा हो सुबह उठाने वाले ये कमरा भूल जाएं, बहुत सी बातें मन में आई होगी। लेकिन एक बार जब मैदान में आते होंगे फिर वही जज्बा, वही उमंग, वही उत्साह। एक प्रकार से मेरे सामने लघु भारत है और भारत के भविष्य का एक लघु रूप है। एक कैडेट के रूप में जब हम समूह जीवन का अनुभव लेते हैं, चाहे अपने राज्य में समूह जीवन का अनुभव हो या पूरे राष्ट्र के लोगों के बीच में हो, तब हम एकता के सूत्र की अनुभूति करते हैं। हम एनसीसी में, समाज जीवन में ये सुनते आते हैं, कच्छ हो या कोहिमा, अपना देश अपनी माटी, विविधताओं से भरा हुआ अपना देश जब तक अपने देश के अन्य लोगों से मिलते नहीं है या वहां जाते नहीं है, हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। और विविधता में एकता, यही हमारे देश का सौंदर्य है, यही हमारे देश की ताकत है, यही हमारे देश की समृद्धि है, और वही हमें सदा सर्वदा एक नई प्रेरणा भी देती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को हम जानते हैं, उन्होंने पूरे भारत का एक परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया था, वो देश को आत्मसात करना चाहते थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से आए तो उन्होंने ट्रेन में पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, वे पूरे भारत को आत्मसात करना चाहते हैं, जीना चाहते थे, हिंदुस्तान के हर सांस को वो जी लेना चाहते। अब्दुल कलाम जी की अगर आप जीवन चरित्र पढ़ोगे तो वो भी कहते हैं कि अपने गांव से मैं जब पहली बार दिल्ली जाने के लिए निकला, और कितने लोग, कितने परिवेश, कितने प्रकार के खान पान, कितने प्रकार की बोलियां, मुझे एक भारत का एहसास हुआ था। उसी प्रकार से आपको इस एक महीने में एक संपूर्ण भारत उसकी विविधताओं का एहसास होता है, और यह एहसास आपने अपने भीतर को विशालता की ओर ले जाता है, छोटे दायरे से बहुत बड़े विशाल फलक पर ले जाता है। अपने आप में एक संस्कार होते हैं, औरों के साथ जीना, औरों को जानना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल्य होता है, और ये इस डिसिप्लिन लाइफ के द्वारा एक हमें जीने का अवसर मिलता है। जब हम परेड करते हैं तो सिर्फ कदम नहीं मिलते हैं, जब कदम मिलते हैं तो मन भी मिलता है, और जब कदम मिल जाए, मन मिल जाए, तो मकसद भी मिल जाता है। और इसलिए, और वही मकसद होता है जो हमें आगे जाने की प्रेरणा देता है, ताकत देता है। 11 लाख से भी अधिक कैडेट एक साथ डिसिप्लिन के साथ, यूनिफॉर्म के लाइफ के साथ, और भारत में सीमा पर रक्षा करने वाले अपने जवान, उनके प्रति एक एकात्मता की अनुभूति करता है। स्कूल में विद्यार्थी एनसीसी के यूनिफॉर्म पहनता है तो मन से उसको लगता है मैं भी भारत माता की रक्षा करने वाले सीमा पर बैठे हुए उसी में से एक हूं। ये जो राष्ट्र रक्षा की अनुभूति होती है, उसके साथ जो एकात्मता का भाव आता है, वे हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मुझे विश्वास है कि आप जिनको यहां आने का मौका मिला है वे, और जो 11 लाख से अधिक एनसीसी के कैडेट है उनको भी, और यह देश
हम कितने भाग्यवान हैं। 65% जनसंख्या आज हमारे देश की 35 साल से भी कम उम्र की है। जो देश इतना जवान हो, जिस देश के सपने इतने जवान हो, जिस देश की ऊर्जा इतनी जवान हो, उस देश के कदम भी उसी जवानी के मुताबिक होते हैं, उस देश की सिद्धियां भी उसी जवानी को शोभा दे वैसी होती है। और इसलिए आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र की युवा शक्ति इस बात की अनुभूति करें, गौरव करें, एहसास करें कि हम किस ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। हमने देखा बहुत बड़ी मात्रा में गर्ल कैडेट भी हैं, और कल तो आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड एक प्रकार से स्त्री शक्ति को समर्पित हो गई। देश ने देखा कि हमारे पास न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, न सिर्फ जीजा माता, लेकिन अब हर गांव हर परिवार में रानी लक्ष्मीबाई और जीजा माता पैदा हो रही है। ये सामर्थ्य देश की नारी शक्ति का, यह अनुभूति देश की अपने आप एक बहुत बड़ी नई धरोहर बनती है, नई ताकत बनती है। मैंने देखा अभी आपने एक टेबलो दिखाया स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत ये कार्यक्रम नहीं है, स्वच्छ भारत ये कोई इवेंट नहीं है, स्वच्छ भारत ये स्वभाव बदलने का प्रयास है। जब तक हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों में स्वच्छता ये स्वभाव नहीं बनता है, तब तक हम लोगों को काम करना होगा। और मैं मानता हूं ये सब संभव है। एक बार बचपन से भी ये संस्कार शुरू हो जाए तो जीवन भर वो बातें रहती हैं मन में। आप एनसीसी के कैडेट्स के माध्यम से एक तरफ तो हम स्वच्छता के लिए जरूर काम करें, लेकिन साथ साथ जिस स्कूल में हो, कॉलेज में हो, गांव में हो, परिवार में हो, समाज में हो, हर पल स्वच्छता एक स्वभाव कैसे बने, हम स्वच्छता के संबंध में कितने जागरूक हो, गलती से भी गंदगी न करें। आप देखिए भारत जिसके पास इतनी महान विरासत है, अगर उसमें एक बार स्वच्छता जुड़ जाएगी तो पूरे विश्व में भारत के तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, भारत के प्रति बड़े गौरव से देखेंगे लोग। और मैं मानता हूं ये भी मां भारती की सेवा करने का उत्तम रास्ता है। 21 जून यूनाइटेड नेशन ने विश्व योगा दिवस के रूप में घोषित किया है। जो जो भी लोग योगा में भरोसा करते हैं, योगा के विषय में जानते हैं, उन सब के लिए एक ये गौरव की घटना है। अब योग ये किसी सीमा से सिमटा हुआ नहीं है, किसी एक ही भाषा के लोगों का विषय नहीं रहा है, न ही किसी एक उम्र के लोगों का विषय रहा है। आज योग दुनिया के हर कोने में पहुंचा है, हर समाज में पहुंचा है, हर भाषा भाषी में पहुंचा है, हर उम्र के लोगों में पहुंचा है, स्त्री और पुरुष में भी पहुंचा है। योग ने एक वैश्विक रूप ले लिया है, लेकिन तब भारत की एक विशेष जिम्मेवारी बनती है कि जिस धरती पर से
योग की कल्पना का जन्म हुआ, हमें विश्व को सही योग का परिचय करवाना होगा, योग की सही बातें विश्व तक पहुंचानी होगी, और वह भी एक संतुलित, संपन्न और सशक्त मानव जात के लिए आवश्यक है इस रूप में योग की प्रस्तुति हो। मैं देश भर के एनसीसी के कैडेट से आग्रह करता हूं कि अभी से आप योजना बनाइए, 21 जून को एक साथ एक समय सारे हिंदुस्तान में योग हो, दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट जाए, इतनी बड़ी संख्या में हो, इतने उत्तम तरीके से हो, और उस काम के लिए अभी से हम लग जाएं, दुनिया के अंदर इन कैडेट्स के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा मजबूत संदेश और एक बहुत बड़ा प्रेरक संदेश हम विश्व को दे सकते हैं। एनसीसी के संबंध में भी बदलती हुई दुनिया में आज सेना के सभी रूप, वे सिर्फ शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं है, युद्ध जीतने में मानसिक ताकत सबसे बड़ी शक्ति होता है, लेकिन अब उसके साथ जुड़ा है टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक सामर्थ्य। पढ़े लिखे लोगों, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के जानकार लोग, इनकी अब सेना में बहुत आवश्यकता रही है। सारे एनसीसी के कैडेट अपने व्यक्तिगत जीवन में सर्वाधिक ऊंचाइयां प्राप्त करें और फिर मां भारती को अपने आप को समर्पित करें, तो देश की सैन्य शक्ति में भी क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है, और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। कुछ छोटे मोटे बदलाव भी हम करना चाहते हैं। मैंने नवल एनसीसी के लिए कहा था कि क्यों ना हमारे समुद्र तट के जो शहर है, छोटे नगर हैं, और जहां एनसीसी का यूनिट है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि समुद्र तट पर के सभी एनसीसी यूनिट हो सके तो नेवल यूनिट हो, ताकि उनका समुद्र से नाता होता है, और जिनका समुद्र से नाता होता है तो आगे चल करके नेवी में कैरियर बनाना भी उनको सहज स्वाभाविक लगता है। और मुझे अच्छा लगा इस बार नेवल के जो कैंप पहले कभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगते थे या स्कूल के कैंपस में लगते थे, इस बार समुद्र के अंदर, जहाज के अंदर एनसीसी के लोगों के कैंप लगे, एनसीसी नेवल के कैंप लगे। यह अपने आप में एक अच्छा बदलाव है, और इसी प्रकार से हम ज्यादा बदलाव लाना, समयानुकूल बदलाव लाना, और हमारी इस ताकत को राष्ट्र की एक अमोल धरोहर के रूप में कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में हम प्रयास करना चाहते हैं। 26 जनवरी को आप लोगों ने भारत की आन बान शान बढ़ाने के लिए महीने भर यहां तपस्या की है, आप ही की यह तपस्या है जिसने रंग दिखाया है, और इसलिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं, और आज मुझे फिर उन पुरानी यादों के साथ आपके बीच आने का अवसर मिला, इसलिए मैं स्वयं को भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।